वाराणसी पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुबह 10:30 बजे वाराणसी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी और तकरीबन पांच घंटे वाराणसी में रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। उनकी सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन वहां पर मुस्तैद है। उनके स्वागत के लिए जबरदस्त तैयारियां हैं। सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। स्वागत के लिए उनका संसदीय क्षेत्र काशी पूरी तरह से तैयार है। थोड़ी देर में सुबह 10:30 बजे काशी पहुंचने का कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और 7 सालों में 26वीं बार आज काशी पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तकरीबन 5 घंटे काशी में रहेंगे, बहुत सारी परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, कई का शिलान्यास करेंगे और उनकी सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद। एसपी जी ने कई दिनों पहले ही वहां पर उनकी सुरक्षा को अपने हाथों में ले लिया है। वाराणसी पहुंचकर 7 सालों से वाराणसी लगातार पहुंच रहे हैं। 2014 से लोकसभा चुनाव से पहले वो काशी आए, वो काशी के कैंडिडेट थे, बीजेपी के ऑफिशियल, और उसके बाद से लगातार वो काशी दौरे पर आते रहे। 26वीं बार काशी पहुंच रहे हैं। 26 दौरे में उन्होंने वाराणसी को कई उपहार दिए हैं, कई सौगातें दी हैं और आज फिर से वो काशी को बहुत सारे उपहार देने जा रहे हैं। तकरीबन 1600 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और प्रधानमंत्री के दौरे के बारे में बहुत सारी विशेष जानकारियां देने के लिए बिल्कुल तैयार है मेरी सहयोगी आस्था कौशिक। सीधा उनका रुख करते हैं। ओवर टू यू आस्था। जी हां राजेंद्र, सुबह साढ़े दस बजे प्रधानमंत्री मोदी जो है वो काशी पहुंच जाएंगे। 10:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी बनारस एयरपोर्ट पहुंचेंगे। दिल्ली से चल के बनारस एयरपोर्ट पहुंचने का जो समय है सुबह 10:30 बजे है, ठीक। और उसके बाद यदि आगे बढ़े तो सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे BHU IIT ग्राउंड। IIT ग्राउंड में उनका खास कार्यक्रम रहने वाला है। और 12:20 पर रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे। वो रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर जो आने वाले समय में काशी को एक नई पहचान देने वाला है। विश्व स्तर के कॉन्क्लेव कार्यक्रम इस सेंटर में होंगे, उसी का आज उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करने जा रहे हैं। उसके अलावा दोपहर 2 बजे की बात करें तो BHU के MCH का निरीक्षण करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी खुद जाएंगे। सांसद है काशी से और यहाँ का जो मेडिकल कॉलेज है खास तौर पर उसका निरीक्षण करने के लिए जाएंगे। और फिर सबसे अहम जो हाईलाइट है वो उस पूरे दौरे की, वो एक जनसभा है। BHU कैंपस में प्रधानमंत्री मोदी आज एक जनसभा भी करने जा रहे हैं। सुबह 10:30 बजे पहुंचेंगे वाराणसी और तकरीबन 5 घंटे का जो समय है वो अपने संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी व्यतीत करेंगे। और जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे वाराणसी तो किस तरह की सुरक्षा देखिए उनकी रहने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी की जो किलेबंदी है वो किस तरह से की जाती है। पहली लेयर में SPG होती है प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में, पहली लेयर SPG की। दूसरी लेयर में NSG और ATS तैनात रहेंगे। तीसरी लेयर की बात करें तो इसमें खुफिया एजेंसियां शामिल होंगी। प्रधानमंत्री की सुरक्षा किस तरह से होगी। चौथी लेयर में सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान होंगे। इसके अलावा पांचवी लेयर की बात करें तो पुलिस और BSF होगी। तो कुल मिलाकर 5 लेयर सिक्योरिटी प्रधानमंत्री मोदी की रहेगी जब वो वाराणसी आएंगे। तो आज किस तरीके से परिंदा भी पर नहीं मार सकता, इस तरह की किलेबंदी काशी की कर दी गई है। 21 IPS ऑफिसर्स इस पूरे सिक्योरिटी में लगाए गए हैं। इसके अलावा 42 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की भी पैनी नजर बनी रहेगी कि कहां क्या हो रहा है। 65 डिप्टी SP, 12 PAC, इसके अलावा 12 सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनियां यहां तैनात रहेंगी। उत्तर प्रदेश के 5000 जवान आज खास तौर पर प्रधानमंत्री और उनके काशी दौरे की सुरक्षा में लगाए गए हैं। 500 से ज्यादा ट्रैफिक पुलिसकर्मी पूरे शहर भर की ट्रैफिक व्यवस्था को रेगुलेट करेंगे कि जो भी मूवमेंट या VIP मूवमेंट होता है पूरी तरह से एक तरह बिना रेड लाइट और बिना किसी जाम और एक सुरक्षा के साथ जो है फ्री ट्रैफिक किस तरह दिया जाए रोड पर, इसका ध्यान रखा जाएगा। तो सुरक्षा के लिहाज से पूरे काशी किले में तब्दील कर दी गई है। इंतजार हो रहा है सुबह 10:30 बजे का जब प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी आएंगे। ओवर टू यू राजेंद्र। बिल्कुल, तो आस्था भी बता रही थी आपको कि किस तरीके से प्रधानमंत्री का अराइवल है वाराणसी में, किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था है, मिनट टू मिनट कार्यक्रम उनका आज का क्या है, ये सब कुछ आपने विस्तार से देखा। और अब आपको सीधा वाराणसी लिए चलते हैं और इसके लिए हमारे साथ वहां से जुड़ गए हैं हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे। वो सभा स्थल पर मौजूद हैं BHU IIT मैदान के, जहां पर आज प्रधानमंत्री मोदी की सभा होनी है।
और इसके अलावा मोहम्मद मोइन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य विंग BHU से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन पहले हम रुख करेंगे हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे का, वो सभा स्थल पर मौजूद हैं जहां पर प्रधानमंत्री आज सभा करने वाले हैं। और वीरेश, जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री की सभा के लिए वाराणसी के लोग और काशी के जो नागरिक हैं वो बहुत उत्सुक होंगे, बहुत उत्साहित होंगे। क्या तैयारी आप देख रहे हैं वहां पर और क्या विशेष देख रहे हैं? राजेंद्र, काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री अपने कर्म भूमि के प्रति ऋण चुकाने वाराणसी आ रहे हैं और जो पहली सौगात 1500 करोड़ के लगभग वो देंगे इसी मैदान BHU IT मैदान से देंगे। हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री गांव से गंगा तक की सौगात देंगे, गंगा में रोरो बोट और क्रूज की सौगात देंगे, वहीं हर घर जल और हर घर नल परियोजना की आधारशिला रखेंगे। मुख्य आकर्षण रुद्राक्ष होगा। 2015 में जब शिंजो आबे यहां आए थे तब काशी का क्योटो के तर्ज पर विकास का सपना देखा गया था, आज वो सपना साकार होता नजर आ रहा है। रुद्राक्ष कला केंद्र होगा, भारत जापान मैत्री का प्रतीक होगा, यहां कलाकारों के लिए विशेष सुविधा है। तो साथ ही साथ जो 1500 करोड़ की परियोजना की सौगात प्रधानमंत्री देने जा रहे हैं उसमें समग्र गांव के विकास की बात होगी और साथ ही साथ गांव और गंगा के विकास की बात होगी। लेकिन पहली बार प्रधानमंत्री ने ज्यादा जोर यहां के गांव पर दिया है और यहां की तैयारियों का जायजा हमने लिया है और ABP गंगा की कैमरे से मैं ये दिखाना चाहता हूं कि जो लोग आमंत्रित किए गए हैं वो भी यहां धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। उनसे बात करते हैं कि आपको बुलाया गया है, क्या उत्सुकता है, क्या कहना चाहिए? उत्सुकता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और बनारस के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, तो उसके लिए उनको सुनना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ। माँ गंगा के लिए बहुत कुछ हो रहा है, रोड बनवाए, बहुत काम किए हैं प्राइम मिनिस्टर जी, उनसे हम सब लोग काफ़ी खुश हैं। काफ़ी उत्सुकता और बेसब्री से इंतज़ार है देश के प्रधानमंत्री और यहाँ के सांसद। खुशी अपार है, उनसे मिलने की खुशी अपार है, उसी खुशी को लेकर हम लोग यहाँ आए हुए हैं, आमंत्रित किए गए हैं और उन्हीं के वेट में हम लोग खड़े हैं। क्या करते हैं? हम लोग महिला शिक्षण संस्थान से हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो है सचिव, भारतीय महिला शिक्षण संस्थान की मैं सचिव हूँ और संस्थापिका भी हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की संयोजिका हूँ, संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जाहिर सी बात है राजेंद्र, जो भी आमंत्रित 6000 के करीब लोग हैं वो यहाँ के मानिंद लोग हैं, अपने अपने क्षेत्रों के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको बुलाया गया है, यहाँ के प्रबुद्ध लोगों को बुलाया गया है, बुद्धिजीवियों को बुलाया गया है। और तैयारी मैं अपने कैमरे की नजर से आपको दिखा सकता हूँ कि पुलिस की छावनी में तब्दील, देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात हमारे जवान लगे हुए हैं। जैसा कि सिक्योरिटी लेयर क्या होता है प्रधानमंत्री की सुरक्षा का, आस्था कौशिक ने बताया, दर्शकों को समझाया, लेकिन कैमरे की नजर में कैद वो सुरक्षा कर्मी क्या कर रहे हैं मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि जितने 6000 लोगों को बुलाया गया है उनकी चेकिंग चल रही है, उनके जो कार्ड है, जो आमंत्रण पत्र है उसे लेकर चेक किया जा रहा है, एक एक लोगों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान पूरी तरीके से मुस्तैद हैं और आप ये देखिए इस रास्ते से होकर जब आपको गुजरना होगा तो पूरी तरह से महिला सिक्योरिटी, बिल्कुल 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 सिक्योरिटी भी, NSG कमांडो लगे हुए हैं, 5 स्तर की सुरक्षा है, अभी आस्था कमांडो लगे हुए हैं, बिल्कुल ठीक है। और उसका उसको दिखा भी रहे हैं आप कि किस तरीके से चेक किया जाएगा और कैसे क्रेडेंशियल्स चेक किए जा रहे हैं उन 6000 लोगों के और प्रत्येक व्यक्ति के जो सभा स्थल पर पहुंचकर प्रधानमंत्री की सभा का हिस्सा बनने जा रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीरेश। अब हम चलेंगे मोहम्मद मोइन के पास, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य विंग BHU से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोइन, जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री वहां भी जाएंगे और एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये विंग है, स्वास्थ्य विंग है, खासकर जो तीसरी लहर की बात की जा रही है और बच्चों के खतरे की बात की जा रही है उस परिप्रेक्ष्य में क्या देख रहे हैं आप वहां पर मोइन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेगा शो की उल्टी गिनतियां शुरू हो चुकी है और इस वक्त हम मौजूद हैं वाराणसी के BHU सेंटर स्थित। जी जी मोइन, हम मोइन के पास चलेंगे, हम मोइन से फिर से जानेंगे कि मातृ एवं शिशु विंग में क्या तैयारियां हैं स्वास्थ्य विंग में। लेकिन फिर से एक बार वीरेश के पास चलते हैं। वीरेश, आप दिखा रहे थे कि किस स्तर की सुरक्षा व्यवस्था है
सभा स्थल पर और कैसे प्रत्येक व्यक्ति को स्कैन किया जाएगा जो सभा स्थल पर जाएगा और प्रधानमंत्री की सभा का हिस्सा होगा। ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज होगी वीरेश, प्रैक्टिकली इतने सारे लोगों के क्रेडेंशियल्स चेक करना और सुरक्षा के लिहाज से इंश्योर करना कि वहां पर कोई किसी भी प्रकार का खतरा ना हो। देखिए राजेंद्र, में है और जो दर्शक हैं वो घरों में हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि देश के प्रधानमंत्री और काशी के सांसद जब वाराणसी में मौजूद हैं तो कैमरे की नजर से हर उस क्षण को कैद करूं और उन्हें दिखाऊं। ये हमारा कर्तव्य होता है और यही वजह है कि एबीपी गंगा एक एक चीजों को दिखाने की कोशिश कर रहा है। देखिए भारतीय जनता पार्टी के जुड़े हुए कुछ प्रबुद्ध लोगों को भी आमंत्रित किया गया है। लगातार ये कोशिश की जा रही है कि सुरक्षा में कोई चूक ना हो, मेटल डिटेक्टर के माध्यम से इन्हें अंदर जाने की बात हो रही है। जो भी आमंत्रण पत्र, मैं चाहूंगा कि आप आमंत्रण पत्र दिखाएं कि इसमें क्या है। ये जो है, मैं एक बार आमंत्रण पत्र पर नजर डालूंगा जिन्हें बुलाया गया है। संवर रही है काशी, बदल रही है काशी, धर्मनगरी काशी में 1583 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण कार्यक्रम, मुख्य अतिथि नरेंद्र मोदी, गरिमामय उपस्थिति योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल, और ये सारी चीजें हैं इस लिखा है इस आमंत्रण पत्र के साथ फोटो युक्त पहचान पत्र अवश्य लाएं। सबसे नीचे लिखा है, तो निश्चित रूप से आप सभी आए हैं, कितनी उत्सुकता है कुछ बताएं। बहुत उत्सुकता है, कोरोना काल के बाद पहली बार मोदी जी से भेंट हो रहा है हमको लोग को, और उन्होंने जो रुद्राक्ष परियोजना जापान के साथ मैत्रीपूर्ण कार्य किया है उसका उन्होंने आज उद्घाटन के लिए आए हैं, हम लोग देखने के लिए आए हैं। ऐसी बात है, तमाम तरह के सौगात है, गांव से लेकर गंगा तक विकास की समग्र जो परियोजनाएं हैं उसको एक रिमोट के माध्यम से, रिमोट कंट्रोल के जरिए, इसी मैदान से, बीएचयू आईटी के मैदान से जब वो दबाएंगे तो एक सौगात निकलेगी जी। तो यहाँ के समग्र विकास यानी पूर्वांचल के समग्र विकास, न केवल काशी बल्कि आसपास के जिलों के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा। यूं तो प्रधानमंत्री आज 27वीं बार आ रहे हैं, लेकिन जब जब वो आए हैं कुछ ना कुछ देकर जाते हैं, उनके पिटारे में कुछ होता है। यूं केवल मिल मिलाकर जाते नहीं है बल्कि जब भी आते हैं काशी के लोगों को कुछ देकर जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, आपने देकर जाते हैं और फिर से वही तैयारी है संरक्षण में विकास हो। अभी आप बात कर रहे थे वीरेश, अभी आप बात कर रहे थे तो बड़ी महत्वपूर्ण बात कही गई कि कोरोना काल के दूसरी वेव के बाद पहली मुलाकात होने जा रही है और चेहरे पर ही खुशी और उत्साह साफ दिखाई दे रहा है उन श्रीमान के जो इस सभा का हिस्सा बनने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। हमारे सहयोगी नीतीश पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और वीरेश, आपसे बात में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का जिक्र किया आपने भी किया और वहीं से जुड़े हुए हैं नीतीश, तो उनके पास चलते हैं और जानते हैं कि वहां पर क्या तैयारी है और क्या विशेष दिख रहा है नीतीश को आज प्रधानमंत्री के काशी पहुंचने के दिन। बताइए और दिखाइए नीतीश। नीतीश के पास हम चलेंगे, उनकी आवाज किन कारणों से हमारे तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन दोबारा उनके पास चलेंगे। फिलहाल हम मां मोइन का रुख करेंगे। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य विंग बीएचयू में मौजूद है। आप बता रहे थे इस विंग के बारे में मोइन, हमारे दर्शकों को आपकी बात अधूरी रह गई थी। ये जो विंग है इसका बहुत महत्व है तीसरी लहर में बच्चों पर खतरे को देखते हुए, उसकी आशंका को देखते हुए। क्या चीज है ये, क्या है ये और क्या इसमें विशेष काशीवासियों को मिलने जा रहा है और आसपास के क्षेत्र के लोगों को मोइन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जिन परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास कर रहे हैं उनमें सर सुंदरलाल अस्पताल का ये एमसीयू विंग भी है, एमसीएच विंग है। देख सकते हैं आप कि यहाँ पर सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं, किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है क्योंकि ये सभा स्थल नहीं है, यहाँ आम लोगों की आवाजाही नहीं है। तो जो गिनती के लोग हैं करीब 20 से 25 लोग ऐसे होंगे जिनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधा संवाद करेंगे, 1-to-1 बातचीत करेंगे, और ये वो लोग होंगे जो कि स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हुए विशेषज्ञ लोग हैं, विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, इनमें बीएचयू के कुछ डॉक्टर हैं, इसके साथ साथ
वाराणसी के अलग अलग अस्पतालों के भी कुछ डॉक्टर्स हैं। तो पहला मौका है जबकि कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी जिले में जा रहे हैं, वहां जिले के विशेषज्ञ डॉक्टरों से बातचीत कर रहे हैं करेंगे और ये बहुत अनोखा होगा क्योंकि खास इस बात को लेकर के है क्योंकि तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। तो तीसरी लहर से कैसे रोका जाए, कैसे उसका मुकाबला किया जाए, किस तरीके से बचा जाए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संवाद करेंगे वो बेहद अहम होगा। हमारे ठीक सामने आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं, इसी बिल्डिंग में जो ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर पर एक छोटा सा हॉल है, वहीं पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ जो एक मंच है, मंच पर तीन कुर्सियां लगाई गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, उत्तर प्रदेश की गवर्नर होंगी, मुख्यमंत्री होंगी और करीब 25 जो है वो विशेषज्ञ डॉक्टर होंगे जिनके साथ प्रधानमंत्री का 1-to-1 संवाद होना है। आपको बता दें कि ये जो MCH विंग है ये सरद सुंदरलाल अस्पताल की तरफ से बनाई गई है और इसमें खास बात ये है कि जो 100 के 100 बेड है वो पूरी तरीके से ICU है, इसमें माँ और बच्चा दोनों एक साथ रह सकता है, इस तरीके की अनूठी सुविधा यहाँ पर शुरू की गई है। क्योंकि जो तीसरी लहर है उसके बारे में आशंका ये जताई जा रही है कि बच्चों पर उसका ज्यादा असर पड़ सकता है, तो 100 बेड की सौगात जो है वो काशी वासियों को और काशी ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल के लोगों को मिलने जा रही है। आज से इसकी शुरुआत हो जाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ डॉक्टरों के साथ बातचीत करेंगे, उनसे संवाद करेंगे, तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि उसके बाद वो देश को कोरोना की तीसरी लहर को लेकर बिल्कुल बिल्कुल बड़ा संदेश दे सकते हैं, कोई बड़ी नसीहत दे सकते हैं। इसलिए भी ये संवाद बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा कि वहाँ पे 25 डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट मोइन, जैसा कि आप बता रहे हैं 25 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स से वो 1-to-1 बात करेंगे। इस बातचीत में बहुत सारे संदेश स्पष्ट हो जाएंगे, न सिर्फ डॉक्टर्स के लिए, उन स्पेशलिस्ट के लिए, बल्कि देश के तमाम लोगों के लिए। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए, वीरेश हमारे साथ हैं, नीतीश और मोइन हमारे साथ हैं और आस्था भी हमारे साथ लगातार है। वो की ग्राफिक्स के 10:30 बजे काशी पहुंच जाएंगे और एक जगह जहां पर वो जाने वाले हैं उसका उद्घाटन करने वाले हैं, वो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, और वहां से हमारे सहयोगी नीतीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे और भी सहयोगी वाराणसी से ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि हम आपको रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर लेकर चले, ये क्या है, इसकी क्या खूबियां हैं, ये कैसे बना है, ये बताएंगी मेरी सहयोगी आस्था कौशल। जी हाँ, आइए आपको बताते हैं कि आखिर कैसा है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर। जापान की कंपनी ओरिएंटल कंसल्टेंट ग्लोबल ने इसको डिजाइन किया है, जापानी कंपनी ने इसको डिजाइन किया है, उन्हीं के ही नेतृत्व में इसकी पूरी कंसल्टेशन हुई है और जापान की कंपनी फुजिता कॉर्पोरेशन ने इसको बनाकर तैयार किया है। क्या खासियत है, किस तरह के कॉन्सर्ट यहाँ किए जा सकते हैं, बड़े म्यूजिक कॉन्सर्ट इस कन्वेंशन सेंटर में हो सकते हैं, इसके अलावा बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेज, नेशनल इंटरनेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंसेज, नाटक थिएट्रिक्स के लिए, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए इसमें बहुत अच्छी संभावना है। इसके अलावा बड़े स्तर पर प्रदर्शनी भी इसमें लगाई जा सकेगी, बात एग्जीबिशन की हो, किसी खास प्रदर्शनी की हो, एक साथ 1200 लोगों के बैठने तक की व्यवस्था इस कन्वेंशन सेंटर में की गई है। आधुनिक सुविधाओं से लैस, पूरी तरह से एयर कंडीशन है ये रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर। बड़े हॉल के अलावा 150 लोगों की क्षमता वाला एक मीटिंग हॉल भी है यहाँ पर। इसके अलावा एक VIP रूम, 4 ग्रीन रूम भी तैयार है, 120 गाड़ियों के पार्किंग का एक साथ इंतजाम इस कन्वेंशन सेंटर में किया गया है। तो काशी और क्योटो की दोस्ती, इसके कॉम्बिनेशन को मिलाकर काशी जैसी आध्यात्मिक नगरी के विकास का जो सपना संजोया गया था उसका एक प्रतीक है ये कन्वेंशन सेंटर। राजेंद्र, बिल्कुल, तो काशी और क्योटो उसकी दोस्ती का प्रतीक है कन्वेंशन सेंटर। सीधा आपको वहीं लिए चलते हैं, नीतीश पांडे इस वक्त वहां से हमारे साथ सीधा कनेक्ट है और नीतीश, आप तमाम रिपोर्ट्स आपने वहां से भेजी हैं, वहां की खूबियां बताई हैं, अभी आस्था भी बता रही थी, लेकिन अभी जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए वहां पर और प्रधानमंत्री के पहुंचने से पहले वहां पर तैयारियां जोरों पर होंगी, शबाब पर होंगी, क्या देख रहे हैं आप, दिखाइए। राजेंद्र जी, अब मात्र 1 घंटे से थोड़ा ज़्यादा का वक्त रह गया है प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर और आप देखिए यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चुस्त होती नज़र आ रही है। आप देखिए ये जो पुलिस के जवान हैं वो मुस्तैद थे सुबह से ही, लेकिन अब जो चुस्ती है वो बढ़ने लगी है, लगातार अनाउंसमेंट होने लगा है और बैरिकेडिंग की आपको दिखाएंगे। आप देखिए यहाँ से जो कन्वेंशन सेंटर है यहाँ से थोड़ी दूरी पर बैरिकेडिंग की गई है और अब हम आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं जो आकर्षण का केंद्र है इस पूरे दौरे के, प्रधानमंत्री के पूरे दौरे का मुख्य आकर्षण है ये रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष, इसको इस नाम से जाना जा रहा है। 108 रुद्राक्ष के इसमें एल्यूमिनियम के ऊपर अगर आप देख सकें तो इसमें जो रुद्राक्ष बने हुए हैं वो इसका मुख्य आकर्षण है। इस रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में कला और संस्कृति जिस तरह से
काशी और क्योटो की बात हो रही थी। कहा यह जा रहा था कि काशी क्योटो के तर्ज पर विकसित किया जाएगा, काशी क्योटो के तर्ज पर विकास का रूप लेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो रुद्राक्ष है वो क्योटो के तर्ज पर जिस तरह से काशी का विकास हुआ है उस विकास को ये दर्शा रहा है। तो यहाँ पर पहले की बात अगर कर लूँ तो पहले यहाँ पर कला और संस्कृति की नगरी बोली जाती है, यहाँ पर कलाकार होते हैं और इसके साथ ही सांस्कृतिक घराने हैं। लेकिन नागरी नाटक मंडली के अलावा कोई ऐसा बड़ा मंच नहीं था जहाँ पर कार्यक्रमों को किया जा सके। तो ये रुद्राक्ष काशी की कला और संस्कृति को बढ़ाएगा, कला और संस्कृति को नया आयाम प्रदान करेगा और इसके साथ ही पर्यटन की नई संभावनाओं को तलाशेगा। आपको बताएं कि बनारस में पर्यटक अगर आएंगे तो इस रुद्राक्ष को देखने के लिए आएंगे। इसके साथ ही जिस तरह से जापान और भारत की मैत्री का प्रतीक अगर काशी में होगा तो अपने आप में काशी एक बड़े केंद्र के तौर पर विकसित होगी। तो निश्चित तौर पे आने वाले जो दिन हैं पर्यटन के लिहाज से, कला संस्कृति के लिहाज से खास हैं। रुद्राक्ष सज कर तैयार है, आप देखिए फूलों से सजावट की गई है, जगह जगह पर आपको फूलों की सजावट दिखाई देगी, चाहे वो मुख्य द्वार हो या फिर किनारे जो बाउंड्री वॉल है वहाँ पर भी सजावट दिखाई देगी। और ये छातों से बनी हुई सजावट आप देखिए जापान की तर्ज पर ये जो सजावट बिल्कुल है, बिल्कुल ये भारत जापान मैत्री साफ दिख रहा है। नीतीश की बहुत विशेष सजावट, झंडे यहाँ पे लगे हुए हैं, बिल्कुल विशेष सजावट है, जापान का झंडा भी वहाँ पर लगा हुआ है ये भी हम देख रहे हैं और विशेष सजावट है, बिल्कुल साफ दिख रहा है कि बहुत विशेष दिन है, विशेष क्षण है, विशेष लम्हा है। अभी फिलहाल के लिए आप तीनों का बहुत शुक्रिया।